गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर वेल एट होम। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमने एक नई बुक स्टार्ट की है जो की है हमारी इकोनॉमिक्स से। उसका फर्स्ट लेसन है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। और जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो के अंदर जो है हमने पालमपुर का जो स्ट्रक्चर था, उस विलेज का जो स्ट्रक्चर था कि उसमें कितनी फैमिलीज रहती है, उनका जो मेन वर्क क्या है, उनका जो आप कह सकते हैं कि उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, उसके बारे में जो हमने पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ेंगे कि जो पालमपुर जो विलेज है, उस विलेज के अंदर जो फार्मिंग जो की जाती है वो किस टाइप से की जा रही है। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पालमपुर के अंदर जो है कुछ फैमिलीज़ हैं, नियर अबाउट 75% जो फैमिलीज है वो डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर। तो उसको हमने जो है अपनी फर्स्ट जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो उसको इन्वॉल्व किया था। सेकंड हमने ये पढ़ा था कि कुछ पीपल ऐसे हैं जो शॉपकीपर भी है या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। तो या फिर थर्ड जो हमने ये भी पढ़ा था कि वो पीपल जो ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो वो इंक्लूड है, अदर सर्विसेज के अंदर जो वो इंक्लूड है कि वो कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करते बट वो हेल्प कर रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं जो पीपल जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उनके अंदर। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे कि जो पालमपुर के जो विलेजर हैं या जो फार्मर्स हैं वो किस टाइप से जो है ना वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और कैसे जो अपने प्रोडक्शन को वो बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर जो हमारा आज का जो है वो कंसेप्ट होगा। सबसे पहले है फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल वो आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं कि जो पालमपुर जो विलेज है, उस विलेज का जो मेन जो काम है वो प्रोडक्शन का, वो है फार्मिंग का। 75% पीपल जो है वो डिपेंडेंट है किस पर? फार्मिंग के ऊपर। अपने जो जीवन जो जी रहे हैं वो उस फार्मिंग के ऊपर ही जी रहे हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्मर लेबर्स। और उसके अंदर जो फार्मर और जो फार्मर्स लेबर जो है वो उसमें काम करते हैं। डिवेलपिंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म। और वो लोग जो है अपना जो प्रोडक्शन है वो फार्म से ही जो है ना वो निकाल रहे हैं। बट रिमेंबर दैट देर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पर्टिकुलरली फिक्स्ड। सिंस 1960 इज पालमपुर देर वाज बीन नो एक्सपेंशंस इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो बेसिकली जो ना वो लोग लैंड एरिया का जो था वो 1960 से पहले ही का जो फार्मर थे या फिर जो है वो कल्टीवेशन कर रहे थे, वो लैंड एरिया डिफरेंट था। लेकिन 1960 के बाद जो है ना कल्टीवेशन का जो एरिया है वो डिफरेंट हो गया था। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज एंड बीन कन्वर्ट टू कल्टीवेशन लैंड। कहता है कि 1960 के बाद जो वेस्टलैंड था विलेज के अंदर, उस वेस्टलैंड को भी जो है उन्होंने कल्टीवेशन लैंड के अंदर जो है कवर्ड कर लिया। देर एग्जिट्स नो फर्दर स्कोप ऑफ इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। और इस प्रकार जो है ना वो लोग जो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर और नए स्कोप जो है उसके अंदर देख रहे हैं, जो उन्होंने जो लैंड कल्टीवेशन का जो एरिया जो है डेवलप्ड किया। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ये कहता है कि जो लैंड है उस लैंड से कैसे जो है ना हम मोर देन ग्रोइंग कर सकते हैं या मोर देन प्रोडक्शन जो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर जो है हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये कहता है कि जो ना वेस्टर्न जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, सेम ऐसे पालमपुर के अंदर जो है वो जो है कंडीशन जो वो क्रिएट की जा रही है। आर लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर जितनी भी जो लैंड है उस लैंड को जो है ना वो कल्टिवेटेड एरिया के अंदर जो है लेकर आ रहे हैं। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। कोई भी लैंड जो है ना वो खाली नहीं रहती। ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है? खरीफ सीजन के अंदर। फार्मर्स ग्रो जवार
एंड बाजरा, जो किसान है वो ज्वार और बाजरा की जो है कल्टिवेशन करते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज द कैटल फीड। ये जो फसल है ज्वार और बाजरे की, ये जो कैटल यानी कि उनके जो पशु जो वो पालते हैं उनके लिए फीड यानी कि उनके भोजन के लिए जो ना ये उनकी कल्टिवेशन करते हैं। इट इज फ्लोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। उसके बाद जो है वो पोटैटो की एग्रीकल्चर करते हैं कब, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। इन द विंटर सीजन फील्ड्स आर सोन विद वीट। और जैसे ही विंटर सीजन आता है यानी गर्मी का जो सीजन आता है उस सीजन के अंदर जो है वो क्या करते हैं, जो रबी सीजन है वो सीज़न जो है विंटर सीजन के अंदर आता है और उसमें जो है क्या कहता है कि जो वीट जो है वो उस टाइम पूरे जो फील्ड है उसके अंदर वीट की जो है फसल जो है वो दिखती है। फार्मर्स कीप इनफ वीट फ्रॉम द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो प्रोडक्शन होता है वीट का वो अपनी फैमिली के लिए जितना जो कंजप्शन हो सकता है एक साल के अंदर उतना वो रख लेते हैं, जो सरप्लस जो प्रोडक्शन हुआ है वीट का उसे रायगंज की जो मार्केट है उसमें उसको बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवाइडेड टू शुगर केन विच इज़ ए हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि कुछ ऐसा एरिया भी है पालमपुर के अंदर जहाँ शुगर केन यानी कि गन्ने की जो है ना वो फसल जो वो ली जाती है हर साल, यानी जो गन्ने की फसल है वो साल में एक बार ही ली जाती है। शुगर केन इन इट्स रफ फॉर्म और एज गैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। और जो उसके बाद ये शुगर केन जो है जो रॉ मटेरियल है उसको वो ट्रेडर्स जो है शाहपुर के अंदर वहाँ उसको सेल कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो थ्री डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीग्रेशन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फार्मर्स है वो कैसे जो ना एक साल के अंदर जो तीन तीन फसल जो है डिफरेंट टाइप की फसल जो है वो ले रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि मेन रीज़न है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीग्रेशन। तो कहता है कि जो इरीगेशन का सिस्टम यानी सिंचाई का जो फसलों के अंदर जो हम पानी लगाते हैं उसका जो सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है यानी कि बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जल्दी ही जो है पालमपुर के अंदर आ जाती है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीग्रेशन। तो ये कहता है कि जो इरीगेशन का जो सिस्टम है उसके ऊपर इसका काफ़ी जो है इम्पैक्ट रहता है। प्रिसीन वेल्स वेयर टेल देन यूज बाय फार्मर्स टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स एंड इरीगेशन स्मॉल फील्ड। इस तरह से जो छोटे किसान भी है वो अपने खेतों के अंदर सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल और वो इरीगेशन का जो फील्ड है वो अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। पीपल सा दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीग्रेट मच टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नाउ एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो बच्चों यहाँ पर यह कहता है कि जो फार्मर्स है वो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो देखते हैं कि जो ट्यूबवेल हैं जो चलते हैं लाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव है इरीग्रेशन फैसिलिटी के अंदर। और उससे वो कहते हैं कि जो एक लैंड का एरिया उस एरिया के ऊपर जो है वो साल में हम कई दफ़ा जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक क्रॉप से ज़्यादा जो उसमें हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, उसकी ग्रोइंग कर सकते हैं क्रॉपिंग की, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग कि एक साल में जो है हमने कई फसलों का जो उत्पादन लिया है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। और इस तरह से जो ना ये हमने प्रोडक्शन को जो इंक्रीज किया है जो हमारे पास जो एक लैंड का जो टुकड़ा है। आर फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। ये कहता है कि जो पालमपुर के जो किसान है ना वो मोस्टली जो ना टू मेन क्रॉप जो ना उसका प्रोडक्शन या उनका ग्रोइंग जो वो करते हैं। मेन आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप्स इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। और उसके बाद कहता है कि जो मेन ग्रोइंग तो पोटैटो है ही, लेकिन पिछले जो 15 to 20 यानी 15 से 20 साल हो गए उसमें जो है वो तीन फसल जो है ना वो इसकी ले रहे हैं एक लैंड के टुकड़े के ऊपर। उसके बाद ये कहता है कि यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड
इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। आप जो है ना देख रहे हैं जो पिछली हमने जो स्टोरी पढ़ी है कि वो किस तरह से जो है ना इंक्रीजिंग कर रहे हैं प्रोडक्शन को, और एक जो लैंड है उनके पास उसके ऊपर मल्टीपल जो क्रॉपिंग कर रहे हैं। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अगर हम दूसरी तरफ से कहें कि वो लोग जो है ना जो फार्मिंग का जो मेथड है वो काफ़ी मॉडर्न यूज कर रहे हैं फॉर हायर यील्ड, और वो जो है ना बहुत ज़्यादा उपज का जो उत्पादन का जो बहुत ज़्यादा उच्च उत्पादन वो ले रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं। यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोडक्ट एज गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। और वो उत्पादन जो है ना वो एक जो लैंड है उस एक छोटे से लैंड के टुकड़े पर से ही जो है ले रहे हैं वो पिछले कुछ समय से। टेल द मिड 1960 द सीड्स यूज इन कल्टिवेशन वेरी ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। ये कहते हैं 1960 से के पास आसपास का जो टाइम था उसमें वो जो ट्रेडिशनल जो सीड्स है उसका यूज़ कर रहे थे, जो कि काफ़ी लो यील्डिंग भी काफ़ी कम उत्पादन जो उससे होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरीगेशन। जो ट्रेडिशनल जो सीड था यानी जो परंपरागत जो सीड था वो इरीगेशन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब इरीगेशन कम हो रहा है और जो हम सीड्स डाल रहे हैं वो ज़्यादा यील्डिंग वाला सीड नहीं है, तो उससे क्या होगा बच्चों कि फसल जो ज़मीन है उसके अंदर फसल का उत्पादन जो है वो कम होगा। फार्मास्यूट काओ डंक एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स। जो फार्मर्स थे वो जो खाद के लिए जो ना गोबर की खाद जो ना वो एक या फिर नेचुरल जो तरीका था वो तरीके से जो ना फसल के जो ज़मीन है उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालते थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हाउ डिड नॉट हैव टू बाई देम। और इस प्रकार कहते हैं कि वो लोग जो है ना ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे कोई भी चीज़ जो है वो खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास जो है प्रोडक्शन कम होता था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेशन वीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वराइटीज। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो 1960 के बाद इंडियन जो फार्मर थे उन लोगों ने HYV सीड्स यानी कि हाई यील्ड वैराइटीज़ जो सीड्स थे मोस्टली वीट और राइस यानी कि गेहूं और चावल में उन्होंने इसका इंट्रोड्यूस हुआ। कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल सीड्स द HYV सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। ये कहता है कि जो HYV सीड्स हैं वो अपने जो ट्रेडिशनल जो सीड्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो प्रोमिस कर रहे थे कि उनसे ज़्यादा जो ना ये प्रोडक्शन जो है वो एक ही एरिया के अंदर ज़्यादा होगा। एज रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वान्टिटीज ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर। उसके बाद ये कहता है कि बच्चों कि जब उन्होंने उसका कल्टिवेशन किया उस HYV सीड्स का, तो उससे रिजल्ट क्या निकला कि जो एक लैंड का जो भाग था या एक जो ज़मीन थी या खेत था उस खेत से जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ या लार्जर क्वांटिटीज़ जो फूड ग्रेन हुआ उससे काफ़ी उत्पादन जो एकदम ज़्यादा हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल जो सीड्स था उससे कंपेयर जो न्यू जो सीड्स आ रहा है HYV सीड्स वो काफ़ी ज़्यादा बेटर था। HYV सीड्स आवर नीडेड प्लंटी ऑफ वाटर एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये कहता है कि जो HYV जो सीड्स हैं वो उसको जो ना ज़्यादा नीड थी किसकी, वाटर की नीड थी, और जो केमिकल जो फर्टिलाइजर थी उसकी भी जो नीड उसको ज़्यादा थी, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटी भी चाहिए उसको और जो ट्रेडिशनल जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसको जो ना केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसकी नीड थी। पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। और जब हम उसमें जो स्प्रे जो हम यूज़ कर रहे हैं पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं तो उससे और भी रिजल्ट बेस्ट निकले। हाई रिजल्ट यील्ड्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स इरीग्रेशन केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पर यह कहता है कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें एक कम्बिनेशन बनाना होगा। वो कम्बिनेशन कौन सा था उसके अंदर सबसे पहले कहता है कि HYV सीड्स हमें यूज़ करना है भाई, उसके बाद इरीगेशन की फैसिलिटी चाहिए हमें, उसके बाद जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो भी चाहिए और पेस्टिसाइड भी चाहिए। इन चारों का जो ना कम्बिनेशन होगा तो
अंडरस्टूड है, या डेफिनेटली ही जो लैंड है उस लैंड से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। फार्मर्स ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट ऑफ ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो मॉडर्न जो फार्मिंग की जा रही है उसके अंदर पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न जो उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स थे उन्होंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया। द फार्मर्स इन दीज रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीग्रेशन एंड मेड यूज ऑफ एच वाई सीड्स। उसके बाद ये कहता है कि जो फार्मर थे उन्होंने सबसे पहले जो है ट्यूबवेल लगाई किसके लिए, इरीग्रेशन के लिए, और एच वाई वी सीड्स यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी उन्होंने यूज़ की, और साथ के साथ उन्होंने पेस्टिसाइड्स भी जो है ना वो फार्मर्स ने यूज किया। सम ऑफ देम बोथ फ्रॉम मशीनरी लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर्स विच मेड फ्लंगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। और उसके साथ ही क्या हुआ कि जो फार्मर थे उन्होंने मशीनरी यूज़ की, मशीनरी के अंदर सबसे पहले जो उन्होंने ट्रैक्टर यूज़ किया, उसके बाद जो है थ्रेसरिंग जो थ्रेसर्स यूज़ किया किसके लिए, ट्रैक्टर जो है ना वो फ्लंगिंग के लिए एंड हार्वेस्टिंग के लिए। तो जब फार्मर ने ये चीज़ यूज़ की तो उससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर का जो वर्क है वो काफ़ी फास्ट होने लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है टाइम जो वेस्ट होता था स्टार्टिंग के अंदर जब मशीनरी और ये इरीगेशन फैसिलिटी नहीं थी या हमारे पास एच वाई सीड्स नहीं था, तो उससे पहले जो फार्मर्स थे या लेबर जो फार्मर्स थे वो ओनली जो अपने ओवन या हैंड से जो ना वो काम करते थे, तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, वो टाइम वेस्ट जो ना वो हार्वेस्टिंग में और फ्लफिंग के अंदर ही ज़्यादा होता था। अब ये काम होने लगा ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर से जब काम होगा तो ये काफ़ी ईजी होगा और काफ़ी फास्टर होगा, तो इसका जो बेनिफिट जो है वो इंडियन फार्मर को इसका बेनिफिट मिला। दे वर रिवार्ड विद हाई यील्ड ऑफ वीट। और इसका जो रिवार्ड जो रहा, इसका जो रिजल्ट जो निकला वो क्या था कि जो वीट के जो कल्टिवेशन है या उसका जो यील्ड्स है यानी कि जो उत्पादन है वो काफ़ी हाई हुआ। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैराइटीज वाज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, विद द एच वाई वी सीड्स द यील्ड वेंट अप 3200 केजी पर हेक्टेयर। तो बच्चों यहाँ पर नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन जो है 2.5 के अबाउट जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो पहले जो ना हम जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ के जो सीड्स थे वो यूज़ करते थे वीट का, तो सिर्फ 1300 किलोग्राम ही पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एच वाई सीड्स यूज़ किया और साथ के साथ इरीग्रेशन और पेस्टिसाइड और केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ की, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो 3200 किलोग्राम हो गया। देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वीट का, जितनी उसको कंजप्शन की जरूरत थी फैमिली के लिए वो उसने सेव करके या अपने घर रखा, और जो सरप्लस जो वीट का प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या किया उन्होंने मार्केट में उसको जो है सेल किया, तो इसका बेनिफिट जो है जो फार्मर्स उनको मिला। उसके बाद कहता है ये कि कैसे जो है हमने अपना जो यूज़ किया ग्रीन रेवोल्यूशन और उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, ये टॉपिक जो हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर करेंगे। जो थोड़ा टॉपिक है जो वो टॉपिक जो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।